नजर लग गई है किसी की। नमस्ते कर लो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका भी त्यौहार बहुत अच्छे से बीत गया होगा और सब खुश होंगे अपने घर में। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है मेरा सुबह के टाइम पे, और मैं सुबह उठ के भिड़ गई हूँ सफाई करने में। कथा जो हुआ था पूजा वाले रूम का, क्योंकि तुरंत तो हटाना होता नहीं है, एक दिन बाद ही हटता है, तो हमने छोड़ दिया था कि नेक्स्ट डे साफ करेंगे, तो मैं वही साफ कर रही हूँ। आए आज भाई दूजे और मम्मा पापा कल की कथा की सफाई कर रहे थे, अभी दिखाता हूँ। सिर्फ मैं, मेरे पापा, मम्मा, सोनम चाची और मोही उठे हैं। बाकी मनीष चाचू और मामा नहीं उठे हैं, अभी दिखाता हूँ। भाई दूज छूटना चाहिए। हेलो कर दो। यहाँ पर ये भी सो रहे हैं। भाई तुझ पे इनको उठना सबसे जरूरी है, और ये खराटे मार के सो रहे हैं। महाराजा जी उठ जाइए। आज भाई दूजे है। ये दोनों छूट नहीं रहे, अपने मर्जी, मतलब अपने सो रहे हैं। पीठा बनेगा तो मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो साफ़ सफाई करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के फिर आ गई थी मैं पूजा करने। आज भाई दूज का त्यौहार भी है और मौके से मेरा भाई भी है, तबीयत ख़राब होने में आया था तो अभी रुका हुआ है, और माही जाने भी नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं मामा बर्थडे बीत जाएगा तब जाइएगा। वैसे माही भी अकेले ही रहता है बर्थडे पे, इस बार तो दोस्त वोस्त भी मतलब सब उधर ही रह गए, हम लोग इधर आ गए। तो फिर माही को लग रहा है कि सब लोग, चाचू चाची सब लोग आए हुए हैं, तो सब मेरा बर्थडे बिता के जाएंगे। तो सारे लोग रुके हुए हैं और यहाँ पे बन रहा है पीठा, सोनम बना रही है। और फिर हमने रख दिया था बॉयल करने को पीठा, और ये लगभग हो चुका है बॉयल, अब हम निकालेंगे। और बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने वाला कोई है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे पक चुका है और थोड़ा सा और बचा है एक बारी का, तो इसको डाल के उबालेंगे। और अभी सब ने बस चाय ही पिया है आज कि पीठा बन जाएगा, उसके बाद सारे लोग खाएंगे। तो ये दूसरा बारी का भी पीठा रख दिया था मैंने उबालने के लिए, और साथ में बन रही थी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। पीठे के साथ खाने में अच्छी लगती है। और दूसरे साइड पड़ा था कुछ बर्तन चाय वाय, तो मैंने सोचा लाओ धुल के इसको साफ़ कर लेते हैं। तो मैं लग गई थी बर्तन धुलने में, और सब्ज़ी बना रहे थे माही के पापा। और तो इस तरह से हो चुका है सारा काम, और अब मैंने थाली लगा लिया था, एक में पीठा रख लिया था और दूसरे में लड्डू, रक्षा सूत्र और दीपक जलाने के लिए, आरती करने के लिए। और यहाँ पे भाई साहब ब्लैक कलर का वो पहन के बैठे हुए थे टी शर्ट, मैंने कहा जाओ चेंज कर लो, बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके नहीं आया, तो मैंने बोला जो है वो मतलब ब्लैक निकाल दो, ब्लैक अच्छा नहीं होता है फिर। तो इसने वाइट पहन लिया था, और बाल भी हटवा लिए हैं इसने, तो सर में टोपी लगा रखा है। तो यहाँ पे शुरू होती है हमारी नोक झोंक। पहले तो बहुत लड़ाई करते थे यार हम लोग शादी से पहले, मतलब मारा पीटी सब कर लेते थे तीनों भाई बहन मिलके। और अक्सर मम्मी के पास सोने के लिए ना हर दिन की ये बात है, हर रात तीनों में खूब लड़ाई होती थी, भयंकर लड़ाई होती थी। हम लोग नंबर वाइज सोते थे, आज मम्मी के पास सोने का मेरा नंबर है तो आज इनका नंबर है, ऐसे उसमें भी लड़ाई हो जाती थी, मतलब चीटिंग करके कि नहीं नहीं कल तो तुम सोए थे आज मैं। तो हंस रहा था ये कि इतना प्यार, आरती उतारी जा रही है और चार बार सुनाया भी जाता है। तो ये टीका लगाते टाइम ना, ये मैंने बोला हटाओ ये टोपी, ये तो लग ही नहीं रहा था सही से, तो उसने हटा लिया था टोपी, और मैंने टीका भी खूब लंबा चौड़ा लगा दिया था। और उसके बाद मैंने खिलाया मिठाई, और फिर मैं बांधूंगी रक्षा सूत्र।
राखी पे बहनें जाती हैं भाइयों के पास राखी बांधने, और भाई दूज पे भाई आते हैं बहनों के पास। तो सही टाइम था कि इस टाइम पे भाई आया हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है। तो जल्दी से मैंने ये सब कार्यक्रम ख़त्म किया, और उसके बाद मुझे लगी थी जोरों की भूख, क्योंकि सुबह से मतलब चाय ही बस पिए थे हम लोग, चाय और चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन, बस इतना ही, कुछ नाश्ता नहीं हुआ था, तो इसलिए सबको भूख लगी थी। तो मैंने सोचा लाओ तो ये मतलब करके फिर खाना खाने बैठते हैं। और इस भाई दूज पे हमने दिया एक दूसरे को बहुत ही बड़ा वाला गिफ्ट, बड़ा वाला गिफ्ट मतलब कि कुछ नहीं, जीरो। तो हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया एक दूसरे को, बस मैंने बोला कि चलो पीठा ही खा लो, और मैं मुंह में उसके टूसे जा रही थी कंटिन्यू कि पूरा खा लेना, ख़त्म मतलब ख़त्म कर देना, एक भी बचना नहीं चाहिए। तो गाइज गिफ्ट गिफ्ट सिफ्ट तो मैटर नहीं करता है, बस भाई बहन का प्यार बना रहे यही बहुत है। और फिर मैं जल्दी से बैठ गई थी खाना खाने, गाइज मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, मैंने लिया था पीठा और सब्ज़ी, और ये लोग अपना सब्जी चावल खा रहे थे, माही पीठा पहले ही खा चुके हैं। और अभी है शाम का टाइम, और थोड़े से मोही के नखरे देखते हैं। मार रही है तो चोट नहीं लगेगा। क्या हुआ है मोही? मच्छर काट लिया है बेटू को। गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है, चाय वाय पी के सब लोग, ये लोग खेल रहे हैं मोही के साथ, और अभी तबीयत सही हुए कुछ दिन हुआ, और अब लग रहा है कि सर्दी होगी मुझे। मेरा तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, एक पे एक कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है। लग रहा है गाइस मेरी नज़र, मुझे नज़र लग गई है किसी की, और मेरी नज़र उतार दीजिए आप, मेरी नज़र उतारिए आप दोनों। क्या कहते हैं मामी? नहीं। इधर मोही, मोही खेल रही है पापा के साथ, हाय करो मोही, मोही हाय करो, बोलो हाय, नमस्ते कर लो, नमस्ते नमस्ते। मोही कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है मोही बता, कहाँ जा रही हो बेटा? ए क्या बाहर कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो मोही? भैया नहीं जा रहा है, मोही जी जा रही है सैर पे, मोही जी को ले जाया जा रहा है घुमाने के लिए। किसी दो तभी किसी दो लिफ्ट से जाएंगे, लिफ्ट से जाएंगे।